रीवा शहर के उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स में संचालित फूडीज रेस्टोरेंट के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के एक मामले में उसे सह अभियुक्त बनाया गया है। मैं आपको बता दें कि चुरहटा और अमहिया पुलिस सहित नवस्था पुलिस ने मिलकर रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा के समीप संचालित फूडीज रेस्टोरेंट में दबिश दी गई, जहां से फूडीज रेस्टोरेंट के संचालक सहित अन्य लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने रेप के एक मामले में फूडीज रेस्टोरेंट के संचालक पीयूष श्रीवास्तव को सह अभियुक्त बनाया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पूर्व चुरहटा थाने में दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत किशोरी ने मामला दर्ज कराया था और अपने दिए गए बयान में किशोरी ने बताया था कि फूडीज रेस्टोरेंट के अंदर बने केबिन में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय सेन निवासी करहिया को गिरफ्तार किया है और उसी की निशानदेही पर बीती शाम फूडीज रेस्टोरेंट में दबिश दी गई। यहां से पुलिस को एक संदिग्ध जोड़ा सहित तीन लोग मिले थे, जिन्हें पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, जहां पूछताछ के बाद फूडीज रेस्टोरेंट के संचालक पीयूष श्रीवास्तव को भी सह अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि शहर में कई अन्य ऐसे रेस्टोरेंट अभी संचालित हैं जिनमें केबिन बनाकर रखे गए हैं, उनको भी गोपनीय तरीके से चिन्हित कर उनके संचालक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इन रेस्टोरेंटों को सील करने का भी प्रयास किया जाएगा। विगत दिनों चुरहटा थाना क्षेत्र में एक कानून की पॉक्सो और 376 के अंतर्गत और जिसमें पीड़िता के बयान लिए गए थे और जिसमें उसने पीड़िता ने बताया था कि फूडीज रेस्टोरेंट में एक केबिन टाइप में उसके साथ पहली बार गलत काम किया गया था और जिसके आधार पर पीड़िता के बयान के आधार पर फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके मेमोरेंडम के आधार पर फूडीज रेस्टोरेंट में कल रेड डाला गया था और वहाँ पे इस प्रकार से जो पीड़िता बयान और उसके कथन में आए थे उस हिसाब से वहाँ पे केबिन वगैरह पाए गए थे और जो संभवतः इस काम के लिए यूज किए गए थे और जिसके आधार पर फूडीज रेस्टोरेंट के जो संचालक है पीयूष श्रीवास्तव उसके खिलाफ चौहटा के मामले में उसको भी आरोपी उसमें बनाया गया है पीयूष श्रीवास्तव बॉक्सर एक्ट के दुष्प्रेरण के मामले में। और इस प्रकार के और भी आपके माध्यम से भी और जन सामान्य के माध्यम से जानकारी मिले कि इस तरह की और भी जगह हैं जहाँ पे इस तरह से कम केबिन या जगह उपलब्ध कराई जा रही है, तो उन सब के खिलाफ भी या जो भी अपराध बनते हैं उस पर कार्रवाई।